थोड़ा सा मुझे ऑफ रोडिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो काफ़ी इसका बेहतरीन है, क्योंकि अभी भी और भी इसके जो मुकाबले की गाड़ियां हैं वो भी आ रही हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो इसकी मुझे भी डिसअपॉइंट करती हैं, वो डेली रूटीन हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक बार लगा रहता है, नोएडा से लखनऊ आना जाना लगा रहता है मेरा। एक हाईवे पे ही एक क्रॉसिंग पड़ती है जिसमें बोला जाता है 20 से 25 किलोमीटर का ट्रैफिक था, उस समय बारिश का मौसम था दिसंबर में, और मैंने 20 से 25 किलोमीटर इसको मैंने कीचड़ और खेत में गाड़ी चलाई थी। इस गाड़ी ने लोगों के काफ़ी मिथ्स तोड़े, इस गाड़ी ने इनोवा का जो मार्केटिंग है वो ज़रूर तोड़ा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं XUV500, या आप यूं कह सकते हो कि XUV द ओल्ड किंग, महिंद्रा की जो ओल्ड किंग थी उसके नाम से ये जानी जाती है, और क्या क्या फीचर्स जनरेट करती थी अपने अपने समय में उनके बारे में हम बात करेंगे। ये कौन सा मॉडल है उसके बारे में भी बात कर लें, तो सबसे पहले ही बता दें कि ये 2019 का वेरिएंट है W5, और मॉडल है 2019 का। उस समय ये गाड़ी मुझे अराउंड जो पड़ी थी 17 लाख के आसपास पड़ी थी, हालांकि ये गाड़ी मेरी है, इसके बारे में मैं अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे अगर हमारे पहली बार हो तो चैनल को भी प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो 2019 में ये मैंने ली थी, और अराउंड जो मुझे पड़ी थी वो 17 लाख के आसपास ये मुझे पड़ी थी। W5 थर्ड टॉप इसका आप कह सकते हो, W5 के बाद W7 और W7 के बाद W9 W11 तीन वेरियंट और आते थे, ये चौथा इसका बेस से एक ऊपर ये वेरियंट था। तो ये कुछ इसकी साइड प्रोफाइल है। फ्रंट में आपको हैलोजन हाई बीम और हैलोजन में आपको लो बीम देखने को मिलती थी। लो बीम जो थी वो प्रोजेक्टर में है, और हैलोजन में टर्न इंडिकेटर। ये फॉग लैम्प मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाए थे, यानी कि महिंद्रा से ही लिए थे, आफ्टर एसेसरीज का पार्ट से लिया था। ये मुझे पड़े थे अप्रॉक्स 3500 के। और रूफ रेल्स तो आपको इसमें एज इट इज़ देखने को मिलती हैं, दो वाइपर दो वॉशर आपको देखने को मिलते हैं, रेयर से कुछ ये प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। अब बारी आती है इसके ड्रिवन की, तो 28,000 किलोमीटर जो है वो गाड़ी ने कवर कर लिए हैं। इसमें जो है कुछ पहाड़ी इलाकों पे भी ये गाड़ी चली है, और कुछ जो है वो मड एरियाज़ में भी ये गाड़ी काफ़ी चली है मेरी, और कुछ जो है ये गाड़ी मेरी चली है रेनी, मतलब रेन के सीज़न में भी ये काफ़ी चली है। कल ही अभी मैं आ रहा था तो अप्रॉक्स 200 कवर करके मैं आ रहा था किलोमीटर्स, तो कल लखनऊ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो कल का दिन था संडे में, अगर आप लोग लखनऊ में हो तो संडे के दिन जानते हो कल शाम में कितनी बारिश हुई है लखनऊ में। तो विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी गाड़ी ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, तो ये एक चीज़ है। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी को चला के आपको बताते हैं कि गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, या ओनरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा ओनर का, उसके बारे में भी हम डिटेल्ड में आपको बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर हमारे पहली बार हो तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी फर्दर और भी वीडियोज़ पाने के लिए। और अगर आपको किसी भी नई गाड़ी का रिव्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपके लिए वो वीडियो अरेंज करके हम आपको देंगे। ऑलराइट दोस्तों, आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और कर लेते हैं गाड़ी को एक बार ऑन, गाड़ी के इग्निशन को ऑन। तो ओके, तो गाड़ी हो चुकी है ऑन, तो आप लोग एक बार इसका केबिन नॉइज जो है वो चेकआउट कर सकते हो। नो डाउट गाड़ी के अंदर जो है केबिन नॉइज वो आपको जरूर इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जो इस गाड़ी को पसंद करने का मेरा एक और भी रीज़न रहा कि ये थोड़ा सा मुझे ऑफ रोडिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी ली। और गाड़ी में जो इंजन आता है वो 2.2 लीटर का आपको इसमें 4 सिलेंडर इनलाइन जो इंजन है वो इसमें ऑफर किया गया है। एम हॉक 155 सीरीज़ का इंजन जो है वो इसमें आता था, और 2.2 लीटर का जो है वो इंजन आपको इसमें देखने को मिलता था। मैक्स पावर 153 की जो है वो जनरेट करता था, और टॉर्क जो है वो 360 Nm का एट 1750 RPM पर जो जनरेट करता था। बाकी टर्बोचार्ज इंजन आपको इसमें देखने को मिलता था। और अब इस गाड़ी के बात करते हैं चलाने में, तो नो डाउट गाड़ी चलने में काफ़ी अच्छी है, और जो इसका सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी इसका बेहतरीन है, क्योंकि अभी भी और भी इसके जो मुकाबले की गाड़ियां हैं वो भी आ रही हैं,
तो उसके मुकाबले इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो इसकी मुझे भी डिसअपॉइंट करती हैं, वो एक चीज़ जो इसका कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश है वो मुझे इसका परेशान करता है, क्योंकि फिट एंड फिनिश इज़ नॉट वेरी गुड, तो वो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम कर सकती है या करी होगी लोगों को। अगर आप लोगों के पास XUV 500 है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो फिट एंड फिनिशिंग के बारे में। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो और भी इसकी मुझे नहीं पसंद है, उनके बारे में बात करेंगे। W5 वेरिएंट था और यहाँ पे आपको जो मिलता है 4 स्पीकर ही आपको देखने को मिलते हैं। आई थिंक 4 स्पीकर 2 ट्विटर कह के उन्होंने मुझे बोला था, तो 4 स्पीकर और ये 2 ट्विन का म्यूज़िक सिस्टम है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है और इसमें आपको मिलते हैं FM रेडियो जैसे फंक्शन। बाकी एक CD प्लेयर का भी है, यहाँ पे आप CD जो है इंसर्ट करके कर सकते हो। ओवर ये गाड़ी के कुछ फीचर्स की बात है, अब इसके मेन कॉज के बारे में बात करते हैं, इसके इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा डेली रूटीन हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक बार लगा रहता है, नोएडा से लखनऊ आना जाना लगा रहता है मेरा। तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं कि मैं एक बार नोएडा से लखनऊ की तरफ आ रहा था, लखनऊ आ रहा था अपने शहर, तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अप्रॉक्स मैं मुरादाबाद वाले वाया बरेली वाला रूट में लखनऊ आ रहा था। तो जो लोग मुरादाबाद शहर में रहते हैं वो लोग जानते हैं मुरादाबाद के बाद एक हाईवे पे ही एक क्रॉसिंग पड़ती है जिसमें बोला जाता है 20 से 25 किलोमीटर का ट्रैफिक था। बोला जाता है क्या, एटलीस्ट वहाँ लगता ही लगता है अगर क्रॉसिंग बंद हुई तो 20 से 25 किलोमीटर का ट्रैफिक लग जाता है। और ये गाड़ी मैंने 20 से 25 किलोमीटर वहाँ पे, उस समय बारिश का मौसम था दिसंबर में, और मैंने 20 से 25 किलोमीटर इसको मैंने कीचड़ और खेत में गाड़ी चलाई थी ये। तो गाड़ी ने काफ़ी ज़बरदस्त जो परफॉर्मेंस है वो दी थी अपनी, तो वहाँ से मैं समझ गया कि हाँ भाई गाड़ी में दम है इस गाड़ी में। और नो डाउट 2011 में आई गेस ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और इस गाड़ी ने लोगों के काफ़ी मिथ्स तोड़े। लोगों को ये लगता था कि इनोवा जैसी गाड़ी रोड सस्पेंशन के लिए जानी जाती है, भारत के रोड सस्पेंशन जो हैं रोड्स के लिए वो इनोवा जानी जाती थी। नो डाउट इनोवा जानी जाती थी, लेकिन जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई थी इस गाड़ी ने इनोवा का जो मार्केटिंग है वो ज़रूर तोड़ा था। एक गाइस एक बात और, मैं अपनी गाड़ी को जो फ्रेश रखने के लिए यूज़ करता हूँ वो है इन्वॉल्व योर सेंसेस का वुडन फ्रेंच वुड का जो फ्रेशनर है वो मैं यूज़ करता हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप लोगों को भी ये चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके इसको परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड मोहित त्रिपाठी यूज़ करते हो, कैपिटल मोहित त्रिपाठी, तो आपको वहाँ पे मिल सकता है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो कुछ इस तरीके की इसकी जो बॉक्स है वो देखने को मिलता है। बाकी इसका जो स्मेल है वो भी काफ़ी प्यारा सा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सो मैंने सीट बेल्ट लगा रखी है भाई, क्योंकि ये मत कहना कि अब मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। यहाँ पे बगल में सीट बेल्ट नहीं लगी है तो उसकी वजह से ये गाड़ी साउंड कर रही थी, तो एक बार ज़रा इसकी सीट बेल्ट जो है वो लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप लोगों को बाद में कुछ गलत ना लगे। पता चला आप लोग कमेंट्स में कह रहे हो कि मोहित भाई आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, तो हाँ मैंने सीट बेल्ट लगा ली है। एक चीज़ और गाड़ी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा जब ये गाड़ी 120 या 140 के आसपास कवर करती है तो इस गाड़ी में थोड़े से वाइब्रेशंस जो हैं वो ज़रूर मुझे देखने को मिलते हैं इसमें। अब ये पता नहीं क्यों, और जब मैंने ये गाड़ी ली थी उसके बाद ही मैंने इसका मुझे लगा कि ये गाड़ी लेफ़्ट की तरफ पुल कर रही है, लेफ़्ट पुलिंग आ रही है, पुलिंग की प्रॉब्लम आ रही है लेफ़्ट पुलिंग की। तो मैंने ये गाड़ी को वर्कशॉप में भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि हाँ सर थोड़ा बहुत मुझे भी लग रहा है, तो मैं आपकी गाड़ी की बैलेंसिंग कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। उन्होंने सब कर दिया, एटलीस्ट अप्रॉक्स मेरा 1800-1900 के आसपास मेरा जो बिल है, नहीं सॉरी 1200 का बिल बना था। और उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ यार थोड़ा सा तो इसमें अभी भी लेफ़्ट पुलिंग लग रहा है, तो फिर उन्होंने बताया नहीं सर ये आपका मिथ है, अब लेफ़्ट पुलिंग इसमें नहीं आ रही नज़र मुझे, और फालतू का आप भी चेकआउट कर सकते हो बैलेंसिंग। और उस वक्त था कि 1000 किलोमीटर तक वारंटी भी देते थे ये लोग,
तो मैंने देखा भी कि नहीं यार ऐसा फिर कुछ नहीं, तो फिर उसके बाद से मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ लेफ्ट पुलिंग की। लेकिन हाँ शुरुआती दौर में मुझे एक बार प्रॉब्लम हुई, जबकि शुरुआती दौर में तो मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर भी नहीं चली थी और तब भी मैंने इनको चेक करवाया था। फिर अब पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ ही हुआ या आप लोगों के साथ भी हुआ, अगर आप लोगों के साथ भी हुआ तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, वहाँ से आप मुझे ज़रूर बताओ। बाकी चलने में गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है, 17 लाख मैंने इस पर खर्च किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यार ये पैसे फालतू वेस्ट हुए कहीं। तो जो पर्पस से, जिस पर्पस से मैंने ये गाड़ी ली, थोड़ा सा घूमने के पर्पस से, थोड़ा सा शो ऑफ के पर्पस से और थोड़ा सा काम के पर्पस से, तो मैंने जिस हिसाब से गाड़ी परचेज की है उस हिसाब से मुझे गाड़ी काफ़ी प्यारी सी लगी। तो ये रही बाकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और ये रहा गाड़ी का डिटेल्ड जो एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है मेरा वो है। बाकी सच स्पेस के मामले में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्पेस आप देख सकते हो यहाँ पे, और रियर का भी स्पेस देख सकते हो और बैक का, सबसे बैक का भी स्पेस देख सकते हो। 2.2 लीटर का जो है इसमें वो डीजल इंजन आता है, 4 सिलेंडर का इनलाइन इंजन आता है, वो सब मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। बाकी यहाँ पे ये मैंने एक आफ्टर मार्केट कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल करवाया था, हालांकि इंस्टॉल करवाने की बात यहीं पे थी लेकिन बाद में मैंने यहाँ पे करवा लिया। अब क्यों करवाया उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, तो कभी डिटेल में आपको बताएंगे उसके बारे में भी। एक वैनिटी मिरर यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलता है छोटा सा, और कुछ इस यहाँ पे स्पेस देखने को मिलती, कुछ यहाँ पे स्पेस देखने को मिलती। 4 AC वेंट्स हैं। AC की भी बात कर लें चलते चलते, तो AC का भी परफॉर्मेंस जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि XUV 500 की AC जो है वो काफ़ी मस्त है, काफ़ी एक नंबर है, तो आप लोग देख सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखो और हमारी वीडियो को एंजॉय करते रहो। टिल देन पीस।